अब गाड़ियों ने किया पार, अब शोएब भाई की गाड़ी है। कर लो फॉर्च्यूनर के हालत। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग, तो जुमा की नमाज पढ़ने के बाद। तो अभी का फिलहाल का करंट सीन ये है, अभी मैं पहुंचा हूं परिमपुरा, तो अभी हम अपने स्क्वाड का वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ठीक हो? अच्छे से वाले ब्रदर्स और अच्छे से और का बाकी गाड़ियां कहां है? अरे तो गाइस चेक कर लो, हमारे वाइल्ड ब्रदर साहब आ रहे हैं। ये गाड़ियां कुछ यहां पे जमा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ठीक हो? अच्छे से शुक्र। अभी कितनी गाड़ियां हैं? अभी और दो तीन गाड़ियां, दो तीन। हां चलो, आज के है और एंडेवर फॉर्च्यूनर, और ये लाइन अप आप लग चुका है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी हम शोएब भाई के पास जाएंगे। तो ये आ चुके हैं शोएब भाई। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, क्या हाल है? अच्छे से तो चलिए गाइज वीडियो के साथ बने रहिए। गाइज निकल चुके हैं हम यहाँ से पारमपुर से, और तो भी गाइज पहुँच चुके हैं लगभग माखन से ऊपर। आगे के बंदे जो गए थे वो देखो कितनी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, तो आगे वो कहीं दिख नहीं रही है। तो एक्चुअली गाइज जब भी मैंने विज़िट किया गुलमर्ग, तो मैं हमेशा विंटर्स में ही विज़िट करता था। तो आज मौका आया हमें समर में भी देखेंगे कैसा मज़ा आएगा गुलमर्ग में। ऑफ रोड देखेंगे यार, ऑफ रोड में काफ़ी मज़ा आएगा। पूरी कोशिश करेंगे अच्छा सा ऑफ रोड करेंगे आपके लिए। चूँकि हम टंगमर्ग, तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुक गई है। तो ये कुछ ये क्या मशवरा कर रहे हैं भाई? इस वाले रास्ते से जाता है बाबा ऋषि, और हमें जाना है गुलमर्ग। कुछ डिसाइड हो चुका है और वे पोटैटो वैली बोल रहे हैं जाने को, तो वही से हम ऑफ रोड करेंगे। तो ये देख सकते हैं पीछे का लाइनअप, और ये आगे एंडेवर थार। तो बहुत मज़ा आएगा जो ऑफ रोड करने में, क्योंकि एंडेवर भी है, फॉर्च्यूनर भी है, थार भी है, नई थार भी है, ओल्ड थार। कसम से यार लगभग दो तीन साल में आज फर्स्ट टाइम आया हूँ समर्स में गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में ज़्यादा नहीं आता हूँ, मैं विंटर उसमें ही आता हूँ ज़्यादातर गुलमर्ग। तो देखेंगे कैसा मज़ा आएगा आज। ओ भाई ओए 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 ओए, आज तो सारा इजी है भाई। मैंने बोला था कि ब्रेनवर लेके चलते हैं फॉर्च्यूनर को, आपने नहीं माना। हाँ जाएगी, अब यही फंसेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो थे खत्म थे वो। और ये आ रही हमारी थार। बजा बजा कुछ बजा। ये आवाज गाड़ी की नहीं आई मेरे जैसे आई। कोई गाड़ी कैपेबल मारा वो विवेक ओब्रॉय को अभी के लिए? मैं अभी तो नहीं, मैं टाइम ही नहीं आया उधर जाने के लिए। और वो बिश्नोई को? बिश्नोई को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। असली वाला ऐसे ऑफ रोड स्टार्ट। तो इन सब गाड़ियों ने किया पार, अब शोएब भाई की गाड़ी है। तो ये आप चेक कर ले शोएब भाई, क्या धीरे धीरे ट्रैक्शन। अच्छा ठीक, एक तो गाइस ये देखो हॉर्स पावर, और दूसरा वहां से जा रहा है फॉर्च्यूनर को ओवरटेक करते करते।
चलो भाई। हाँ जी भाई, क्या हाल है और चाल चाल? बड़े दिनों बाद, लॉन्ग टाइम नो सी। क्या ऑफ रोड भाई वीडियो तो इसको ला वहां तक लेके जा सकते हैं? अच्छा ठीक है, चुके हम आगे। एक्चुअली आज मसला यार एक है ना कि मेरे साथ कोई बंदा साथ नहीं है, तो वीडियो बाहर से शूट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो अब मैं अंदर से ही शूट कर रहा हूँ वीडियो। फॉर्च्यूनर की हालत क्या हो चुकी है, चेक कर लो फॉर्च्यूनर की हालत। सलो भाई से हम थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे। सलो भाई, आपने ऑफ रोड टिप्स कहाँ से लिए? हम तो फेल हो गए यार। आपकी गाड़ी बहुत भारी है ना, इसलिए सिकुड़ कर रही है। लो गाड़ी के हालत में आपको बाहर से दिखाना चाहता हूँ गाड़ी की कंडीशन। ये देख लो गाइस, गाड़ी क्या भाई, चेक कर लो गाड़ी की हालत। तो हमने कोई मीडो ख़राब नहीं किया, यहाँ तक रास्ता ही था, इससे आगे हम नहीं गए क्योंकि मीडो है वहाँ से। चलो चेक कर लो गाइस गाड़ियों की हालत। चल भाई कैसा मज़ा आया, तूने तो फॉर्च्यूनर से जलवा ही दिखाया। नहीं किया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है फुटेज की, आशु भाई ने मुझे लेके दिया। आपको पता है मेरे जो गाड़ी का जितना भी सामान है सारा आशु भाई स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा आशु भाई, किसी और को भी कॉन्टेक्ट करो। अच्छा आशु भाई को कॉन्टेक्ट करना है, शोएब भाई का नंबर दूंगा, शोएब भाई का नंबर रहने के लिए कॉन्टेक्ट करना। अच्छा ठीक, अपलोड करके आ गए। ये देखो, ये तो देखो ये जो कलाकारी की मेरी गाड़ी पे। चेक कर लो गाइस फॉर्च्यूनर की हालत क्या हो चुकी है। अच्छा रुक चुके हैं हम गुलमर्ग के मेन मार्केट में, तो अभी हम पियेंगे चाय, तो चाय को एंजॉय करेंगे थोड़ा सा ऑफ रोड करने के बाद। देखिए गाड़ियों की क्या हालत हो चुकी है। फिर दो मैगी करना दो। मगर आपको पता है मेरा वाइड किट पे दिल नहीं मान रहा यार, पता नहीं। रुको भाई लगने दो, फिर देखो। हो गया हमारा चाय मैगी, तो अभी हम जा रहे हैं वापस। फिलहाल गाइज वी आर लिविंग गुलमर्ग, तो अभी हम जा रहे हैं गुलमर्ग से वापस घर। तो गाइज कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? चला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन बाय बाय।